वेलकम टू माई चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। इट्स योर बर्थडे गर्ल पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइज। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आपके दिमाग में जो भी पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। यस्टरडे मैं वीडियो नहीं बना पाई थी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी अपने सेलिब्रेशंस को लेकर। सो यस, आज मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ बिकॉज मेरा बर्थडे है और मैं आप लोगों के साथ कैसे स्पेंड ना करूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप सभी मेरे फैमिली का हिस्सा हैं और ये कहीं ना कहीं एक वे है हम सबका कम्युनिकेशन का, मिलने का। ओके, सो इसे कैसे मिस कर सकते हैं। सो आज हम देखेंगे कि आपके दिमाग में जो भी इंसान है, चाहे वो आपके लवर हो, क्रश हो, एक्स पार्टनर हो, सिचुएशनशिप में कोई इंसान हो, ठीक है, एक्स हो, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो, कोई भी इंसान, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है एंड उनके मैसेजेस, उनका नेक्स्ट मूव सब देखेंगे डिटेल में। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी रिलेटेड टू एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, मेरी इंस्टा हैंडल्स एंड यूट्यूब के मेरे बाकी दो चैनल्स जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा एंड पूर्वा घोष। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, सब लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखें जिनकी भी करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। लेट्स सी, ओके, वी हैव सेवन ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव सिक्स ऑफ वंड्स, वी हैव टू ऑफ वंड्स, the high priestess, and what are the decks we have? Two of swords. So ये टू ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी है गाइस, ये आप दोनों की बॉटम की एनर्जी है। मतलब आप दोनों प्रोसीड भी करना चाहते हो बट साथ में आप दोनों फिर कन्फ्यूजन में भी रहते हो। तो कहीं ना कहीं जो सच्चाई है या फिर जो क्लियर पाथ है वो आप लोग देख कर भी अनदेखा कर रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं, बहुत हर्डल्स है या कन्फ्यूजन्स है, क्या सच क्या झूठ। तो आप दोनों के अंदर ही कन्फ्यूजन्स हैं इस कनेक्शन को लेकर करंट की एनर्जी में, जहाँ पर सच पता है, फीलिंग्स के बारे में पता है, इमोशंस के बारे में पता है, लेकिन उसके बावजूद भी उस चीज़ को आप दोनों ही एडमिट नहीं कर रहे हो। सो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, ये सारे साइंस सारे राशियों के लिए है। ओके, सो देखिए मुझे लग रहा है कि पहले आपके पर्सन जिस भी तरीके के इंसान थे, जैसे कि रिस्पॉन्सिबल, इमेच्योर, या कमिटमेंट ना देना, या ऑन एंड ऑफ करना, कभी इमोशंस अपना एक्सप्रेस करना, कभी नहीं करना, कुछ पूछने में ढंग से नहीं बताना, तो जो भी एनर्जी थी जहाँ पर वो इरेस्पॉन्सिबल थे, जहाँ पर वो मैच्योर तरीके से बिहेव नहीं कर रहे थे आपके साथ, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद नहीं थी बट ये चीज़ ये पर्सन कंटिन्यू कर रहे थे अपने बिहेवियर में, सिचुएशन में, ठीक है, ये एनर्जी में, उस चीज़ से ये इंसान छुटकारा पाना चाह रहे हैं करंटली। करंटली इस पर्सन को रियलाइजेशन है कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की है या फिर क्या क्या चीज़ें उनके अंदर अच्छी नहीं है जिसकी वजह से कोई भी इंसान हर्ट हो सकता है या फिर किसी के साथ भी इनका कनेक्शन ख़राब हो सकता है। तो उस चीज़ से निकल कर ये पीछे जाना चाहते हैं जहाँ पर ये इंसान, मतलब ऐसे टाइम स्पेंड में जाना चाहते हैं जहाँ पे इस पर्सन हो सकता है आपको हर्ट किया है। तो ये कहीं ना कहीं पास्ट में जाकर उस चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि काश ऐसा कोई पॉसिबिलिटी होती जहाँ पर मैंने जो गलतियाँ की है वो मैं पास्ट में जाकर ठीक कर सकता या ठीक कर सकती, ठीक है, मैं सॉर्ट आउट कर लेता या कर लेती। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट के बारे में सोच रहे हैं और पास्ट में जो जो चीज़ें आप दोनों के बीच में अच्छे से नहीं हुई या फिर इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की, आपको हर्ट किया, चीट किया, झूठ बोला या कुछ भी, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ली, ठीक है, आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाले, तो कहीं ना कहीं पास्ट में जाकर आपके जो पर्सन हैं वो चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर वो वाली वाइब आ रही है कि पास्ट को सुधारना चाहते हैं आपके साथ। उनका ऐसा मन हो रहा है कि काश वो उनके पास वो पावर होता कि वो पास्ट में जाकर आपके साथ सिचुएशंस को ठीक कर लेते और अपनी गलतियाँ सुधार लेते, ठीक है, क्योंकि अब उनका जो फोकस है वो आपके तरफ है, ठीक है।
मुझे लग रहा है आपका जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा आपके डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो या ना हो डजेंट मैटर, बट आप कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हो कि आप अपने फियर्स, डर, टेंशंस, पेन से ओवरकम करो, एंड यू नो आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करो, आपके मन में शांति रहे, लाइफ में शांति रहे, आप यू नो ट्रांसफॉर्म करें, आपके अंदर इनर विजडम आए, तो कहीं ना कहीं यू आर ट्राइंग, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। हायर एनर्जी में आप पहुंच रहे हैं, तो क्योंकि आपका फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत से हटकर अपने लाइफ को बेहतर बनाने में लग रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप जो है अपने पर्सन के लिए एक यू नो मैग्नेट की तरह अट्रैक्शन क्रिएट कर पा रहे हो। आपके पर्सन का अटेंशन आपकी तरफ बार बार आ रहा है, बार बार वो आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं, करेंटली बार बार उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें आपके साथ अपना ज़िंदगी सोचना है, उन्हें आपके साथ फ्यूचर देखना है, ठीक है। उनका दिल कह रहा है कि उन्हें आपकी तरफ आना है, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं, कहीं ना कहीं आप ओवर इमोशनल नहीं हो रहे हैं। अगर आप रोते थे दिन भर, ठीक है, कुछ करने का आपको मन नहीं करता था, बस इसी पर्सन के बारे में सोचना, इसी पर्सन को याद करना, रोना धोना, ठीक है, चिपके रहना, तो ये सारी एनर्जी से आप कहीं ना कहीं निकल रहे हो, जिसके वजह से आप यू नो अट्रैक्ट कर रहे हो इस पर्सन के अटेंशन को, इस पर्सन का ध्यान आपके तरफ आ रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो रही है, ठीक है। आप मेंटली इमोशनली एक बैलेंस बनाकर चलने की अपने लाइफ में कोशिश कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेकर आप ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे, ठीक है। और जो लोग अभी ऐसे मोड पर हो कि नहीं हम बिल्कुल तड़प रहे हैं या कुछ है, तो ट्राई करो कि ऐसे हायर वाले वाइब्रेशन में आप आओ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं कि आप खुद अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आपको समझ आ गया है यू नो कि लाइफ की रियलिटी क्या है और किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को खुद ही बेहतर बना सकते हैं किसी और के बगैर। तो वही वाली चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ये इंसान आपके बारे में ही सोच रहे हैं, पास्ट को ठीक करना चाहते हैं, अगर कुछ भी इनसे यू नो ठीक तरीके से नहीं हो पाई तो, एंड वो चाह रहे हैं कि यू नो प्रेजेंट को वो इंसान बेहतर करे और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने मेच्योरिटी के साथ करें, ठीक है, अपने अपने पावर के साथ करें आपके रिश्ते को ठीक और आपके रिश्ते को आगे बढ़ाने की एनर्जी इनके करेंटली दिलो दिमाग में चल रही है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं इच्छा है कि ये इंसान आपके साथ यूनियन में आए, आपके साथ रियूनियन में आए, या फिर आपके साथ शादी करें, इंगेजमेंट करें, या फिर वापस आ जाएं, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। आपकी तरफ ट्रैवल करें, आपके साथ कहीं ना कहीं अपना ये फ्यूचर आप सोच रहे हैं, क्योंकि इनको आपके अंदर वो पोटेंशियल नज़र आ रही है जो हो सकता है पहले नहीं आती थी। पहले हो सकता है कि ये इंसान यू नो बैक एंड फोर्थ एनर्जी में रहते थे, ठीक है, लेकिन अब इन्हें समझ आ गया, जिसकी वजह से ही जो गलतियाँ इन्होंने आपके साथ की है या जो चीज़ें आपके साथ नहीं करनी चाहिए थी, आपके रिश्ते में नहीं करनी चाहिए थी, वही सारी चीज़ों को ये पास में जाकर भुलाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। तो ऐसी वाली करंट फीलिंग्स इनकी चल रही है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत जल्दी आपकी तरफ आएंगे, अगर अभी आपसे ये दूर है या नो कॉन्टैक्ट में हो, या फिर आपका आप लोग अभी डिसकनेक्टेड हो तो किसी ना किसी तरीके से। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। गार्डन एंड द गेट नंबर 30। यस, इस पर्सन का फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ ही है, लेकिन अभी ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन लेंगे, ठीक है। ये यू नो होता है ना कि एकदम सही वक्त पर, सही टाइमिंग पे ये इंसान जो है चौका मारेंगे, मतलब अब बस वेट कर रहे हैं कि कहाँ पर इनको लगे कि हाँ दिस इज़ द राइट टाइम और ये चले जाएं। लेकिन इनका फोकस, अटेंशन, थॉट्स, इमोशंस आपके तो टूवर्ड्स पूरी तरीके से इंक्लाइंड है करेंटली, ओके। बस सही वक्त पर एक्शन लेना चाह रहे हैं, मतलब एफर्ट जो ये पर्सन डालना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उनका जो एफर्ट है वो वेस्ट ना हो, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, यस, ये इंसान बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके कनेक्शन में, कहीं ना कहीं ये इंसान इक्वली आपको फील कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों भी सेम पेज पर हो, कोई ऊपर कोई नीचे, ऐसी वाली एनर्जी है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं इंसान फील कर पा रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी मन की शांति और इनके लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, बैलेंस आपके साथ कनेक्शन में रहकर ही होगा, ठीक है। बॉर्ड ऑन द लेक्स वी हैव अप्रिशिएशन नंबर 15। तो यस, डेफिनेटली अब ये पर्सन इस कनेक्शन को समझ रहे हैं, इस कनेक्शन के वैल्यू को समझ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप उनके ज़िंदगी में हो या फिर वो आपसे कभी मिल पाए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वाइस हुई है। अगर पहले ये इंसान बहुत ज़्यादा विकेट थे या यू नो बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलते थे, प्लेयर थे, तो कहीं ना कहीं अब उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक अच्छा बदलाव मुझे नज़र आ रहा है आपके टूवर्ड्स, ओके। चलिए देख लेते हैं कि इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। वी हैव पेज ऑफ कॉइन्स। वी हैव फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव द स्टार।
सो गाइस ये पर्सन जो है हील करने की कोशिश करेंगे आप दोनों के सिचुएशन को, ठीक है, और कुछ छोटा एफर्ट डालेंगे सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट मोमेंट का ये होगा कि ये कोई छोटा सा एफर्ट डालेंगे, जैसे कि एक मिस कॉल या कॉल, या फिर एक नॉर्मल सा टेक्स्ट, ठीक है, या फिर एक छोटी सी मुलाकात कुछ कुछ मिनट्स के लिए, छोटा सा डेट, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आपके अंदर बहुत चेंजेस आए हैं, ठीक है, आपके एक्सपेक्टेशंस बढ़े हैं, या फिर आपको अप्रोच करना इतना इजी नहीं होगा, ठीक है, कि इन्होंने कुछ भी बोल दिया आप मान गए, आपने माफ़ कर दिया। तो ये इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे ये चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे आपके साथ कनेक्ट करके रिश्ते में आने की कोशिश करेंगे, अगर ये क्रश फ्रेंड या कोई है तो, ठीक है। तो ये इंसान नेक्स्ट मूव इनका यही होगा कि इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, हील करना चाहेंगे, ठीक है, और कनेक्शन में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, और चाहेंगे कि भले ही धीरे धीरे चीज़ें बढ़े लेकिन सिस्टमैटिकली बढ़े, ठीक है, हड़बड़ाहट नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि आपकी पोटेंशियल है ज़्यादा, या फिर आप वेल डिजर्विंग पर्सन है, तो ये ऐसे ही आपको ट्रीट नहीं कर सकते, या फिर किसी और की तरह नॉर्मली ये इंसान आपको अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है, देख लेते हैं नेक्स्ट मूव कब तक होगा, ठीक है, टाइमिंग देख लेते हैं एक बार, आप लोगों को टाइमिंग देखना होता है, तो लेट्स सी द टाइमिंग। वी हैव नाइन ऑफ क्लब्स, कुछ लोगों के लिए विद इन 24 आवर, इस रीडिंग को देखने के 24 आवर के अंदर इस पर्सन का नेक्स्ट मूव ये छोटा वाला आ सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है अगस्त टू अक्टूबर नवंबर लग सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए अगस्त, कुछ लोगों के लिए सितंबर, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर, कुछ लोगों के लिए नवंबर, ठीक है। सो अगस्त से जो नवंबर के बीच में जो टाइम स्पेंड चल रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस पर्सन के एफर्ट्स लेने का, अगर इस पर्सन के साथ आपकी सेपरेशन वगैरह हो रखी है तो, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए जिनका न्यू कनेक्शन है या सिचुएशनशिप है, क्रश है कुछ, उनके लिए मुझे लग रहा है विद इन 24 आवर्स या फिर विद इन 3 वीक्स, ओके, यस। सो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस आपके लिए, लेट्स सी। आई नो आई डिड रॉन्ग बट गिव मी अनदर चांस, आई एम सॉरी। तो अगर इस पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप या सेपरेशन हो रखा है तो कहीं ना कहीं अब इनको पछतावा है और रियलाइजेशन भी है, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो। आई वॉन्ट यू टू रीड माई साइलेंस कॉज आई कॉन्ट एक्सप्रेस, हो सकता है कि इस पर्सन को कम्युनिकेट करने में बोलने में बहुत दिक्कत होती है, तो ये चाहते हैं कि आप उनकी खामोशी समझ जाओ और इन्हें मिसअंडरस्टैंड ना करो। I want you to kiss each and every way, I want to hold you tightly. तो डेफिनेटली रोमांटिक फीलिंग्स भी दिल में बहुत है, ठीक है, जितना हो सके उतना आपके क्लोज आना चाहते हैं। See some more. One last. I am planning a surprise for you, so be ready, okay? तो कुछ सरप्राइज हो सकता है कर रहे हो आपको इम्प्रेस करने के लिए या फिर आपको हैप्पीनेस देने के लिए, और बहुत जल्द हो सकता है कि उसी के बारे में आपसे इनडायरेक्टली बात करें या फिर आपको हिंट दें। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, यस, आपको आपके तरफ ही इनका ध्यान है ज़्यादा, आपको बार बार देख रहे हैं पिक्चर्स में हो, वीडियोस में हो, या फिर इमेजिन कर रही हूँ आपको किसी भी तरीके से, या रियल में देखती हूँ आपको डेली बेसिस में, ठीक है। जब आपको देख रहे हैं तो ये इंसान पूरी तरीके से मेल्ट हो जा रहे हैं, और ये सॉन्ग को ज़रूर सुनिए, इसमें और भी कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, ओके। सो चलिए देख लेते हैं एंजल के कुछ मैसेजेस आपके लिए, ओके, एंजल की गाइडेंस, एंजल की मैसेजेस आपके लिए देखते हैं। वी हैव हेल्पफुल पीपल, सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अच्छे लोगों से जुड़े, अच्छे लोगों से दोस्ती करें और खुद एक अच्छा इंसान बने, ठीक है, जितना हो सके उतना लोगों को फील करने की कोशिश करें, लोगों को जज ना करें उनकी बाहरी रूप से, उनके तौर तरीकों से, ठीक है, जजमेंटल आपको नहीं होना है, डिस्क्रिमिनेट आपको लोगों को नहीं करना है, सबके लिए दिल में एक प्यार की भावना आपके दिल में होनी चाहिए, और अच्छे चीज़ों के साथ जुड़ें, ठीक है, अच्छे बुक्स पढ़ना, अच्छे लोगों के साथ जुड़ना, अच्छी कम्युनिकेशन, ठीक है, खुद एक अच्छा पर्सन बनने की कोशिश करें, ठीक है। एंजल एंजल्स चाहते हैं कि आप एक अच्छा पर्सन बने, ठीक है, तो जो चीज़ आपके अंदर वीकनेस है, अगर आपको आदत है जजमेंटल होने की, लोगों के बारे में गॉसिप करने की, ठीक है, या कुछ बुरा भला बोलने की, ऐसा ना करें, क्योंकि आप अंदर से सामने वालों को कभी नहीं जान पाओगे कि वो इंसान कैसा है। तो बेटर ये है कि किसी को जाने ना पहचानते हुए हमें कुछ भी कमेंट पास नहीं करना चाहिए किसी के लिए भी, और जितना हो सके उतना आप हेल्प करें लोगों को, खुद अच्छा बने, ठीक है, अपनी एनर्जी को क्लेंस करें, ओके। तो ये आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एंजल्स आपसे करवाना चाहती है, बिकॉज
आपके अंदर वो एनर्जी है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो दब चुकी है, तो उसे यू नो निखारें, उसे रियलाइज़ करें, अपने अंदर की अच्छाई को इन्हेंस करें। बी असर्टिव, तो कंफ्यूज ना रहे लाइफ में, ठीक है, श्योर रहिए कि ये करना है ये नहीं करना, ठीक है, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ठीक है, और अपने माइंड में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना लाएं कि ये भी चाहिए होगा कि नहीं, ये सब नहीं, आप क्या चाहते हो उसमें आप फोकस करो रैदर देन क्या हो सकता है क्या नहीं। रोमांस, तो आपके लाइफ में रोमांस एंटर कर रहे हैं, सो बी रेडी एंड उसे रिसीव करने की एनर्जी में रहो। अगर आप सही में लाइफ में प्यार वगैरह चाहते हो, किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटीज़ में रहने की आपको ज़रूरत नहीं है, एंड बॉटम ऑफ द डेक से भी है देर इज़ समथिंग बेटर, तो आपके लिए अच्छा कुछ आ रहा है, आप अच्छा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अच्छा कुछ रिसीव करने वाले हैं बहुत जल्द। सो हैप्पी हैप्पी रहिए एंड यू नो बस लाइफ को इन्जॉय करें एंड ग्रेटफुल रहे अपने लाइफ के लिए। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।